वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे रेडमी नोट 7 प्रो में, तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 7 प्रो। और यहाँ पे मैं ही बात करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे प्रोटोन प्लस रॉम के बारे में, जो कि एंड्रॉयड 12 मिल जाता है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है 5th February का। तो यहाँ पे मैं इस रॉम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस रॉम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एंड्रॉयड बेंचमार्क्स को देख सकते हो, जो कि यहाँ पे 2,45,000, जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉक कैमरा मिल जाता है, स्टॉक कैमरा से आप फोटोज़ और वीडियोस ले सकते हो। और यहाँ पे जो स्टॉक कैमरा है बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जो कि यहाँ पे आपको QR कोड, यहाँ पे डेटा मैट्रिक्स, उसके बाद यहाँ पे आप जो है QR कोड यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, उसके बाद फोटोज़ भी ले सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है 8x जूम का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद वीडियो आप ले सकते हो जो कि 1080 पिक्सल्स और यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पे 4K आई थिंक आपको शो कर देता हूँ। तो डिस्कनेक्ट और यहाँ पे आपको मिल जाता है अल्ट्रा HD, जो कि यहाँ पे 4K का भी सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। और गूगल कैमरा में यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो नाइट साइड में यहाँ पे आप जो कि फुल्ली नाइट में भी यहाँ पे आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो एक अच्छी फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट और यहाँ पे कैमरा, उसके बाद वीडियो जो है 1080 पिक्सल्स 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लो मोशन वर्किंग नहीं है और यहाँ पे मोर में जो है यहाँ पे पैनारामा फोटोज के लेंस का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्योर एंड्रॉयड होने के कारण आपको यहाँ पे कोई भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं मिलता है, जो कि प्योर एंड्रॉयड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो ड्यूल 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे वर्किंग है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स ब्लूटूथ तीनों यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है बैटरी, जो कि बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे 100% है और यहाँ पे वीडियो जो है ऑलमोस्ट 4 मिनट का हो चुका है। यहाँ पे लास्ट तक बैटरी कितना रहता है यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज, साउंड, डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस लेवल, अडैप्टिव ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। उसके बाद लॉक स्क्रीन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फॉर्मेशन आप अनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप, जो कि लॉक स्क्रीन के ऊपर आप डबल टैप करोगे तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा डिवाइस। डार्क थीम का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे फुली डार्क थीम को यहाँ पे आप अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि स्क्रीन टाइम आउट आप 30 मिनट्स रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज और यहाँ पे नाइट लाइट, इसको ऑन करके ब्लू लाइट को डिसेबल करके आप अपने आंखों को यहाँ पे आप बचा सकते हो ब्लू लाइट से। कलर्स आप देख सकते हो, जो कि अडेप्टिव, नेचुरल, बूस्टेड आपको तीनों मिल जाता है और यहाँ पे कलर बैलेंस को भी चेंज कर सकते हो। ऑटो रोटेशन, स्क्रीन सेवर, टैप टू वेक मिल जाता है। उसके बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में यहाँ पे आपको वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि वॉलपेपर बहुत सारे हैं, जो कि ये जो है एक एंड्रॉयड 12 का है। उसके बाद आप वॉलपेपर कलर भी चेंज कर सकते हो, जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो बेसिक, और यहाँ पे आपको जो है वॉलपेपर का जो कलर है उसी में से यहाँ पे आपको कलर चूज़ किया गया है। डार्क थीम का भी सपोर्ट मिल जाता है, थीम्ड आइकॉन, जो कि यहाँ पे जो आपको डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन मिलता है वो सभी आइकॉन का आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐप ग्राइड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज़ में यहाँ पे आपको मिल जाता है टॉकबैक, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट को आप अनेबल कर सकते हो, कलर करेक्शन, कलर इन्वर्शन, उसके बाद रिमूव एनिमेशन, लार्ज माउस पॉइंटर, उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, डार्क थीम आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि ब्राइटनेस आप थोड़ा कम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि फिंगरप्रिंट, और यहाँ पे आपको मैं फिंगरप्रिंट टेस्ट करके बता देता हूँ। फेस अनलॉक नहीं मिलता है, जो कि ये जो है एक लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्च अपडेट में यहाँ पे फेस अनलॉक मिल जाता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट टेस्ट करके बता देता हूँ, जो कि देख सकते हो इनरोलमेंट फास्ट इनरोल हो रहा है, जो कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रॉपरली यहाँ पे फास्ट वर्किंग है आप देख सकते हो, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट प्रॉपरली और यहाँ पे फास्ट वर्किंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि सिक्योरिटी के बाद प्राइवेसी, लोकेशन, सेफ्टी, इमरजेंसी पासवर्ड, अकाउंट, डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था।
गूगल सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि जेक्सेस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि जेक्सेस ये वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि लॉन्ग प्रेस, यहाँ पे आप पावर की से, यहाँ पे डबल प्रेस पावर की से आप यहाँ पे शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है क्विक ओपन कैमरा, जो कि यहाँ पे आप पावर की को यहाँ पे आप जो कि देख सकते हो, यहाँ पे क्विक ओपन कैमरा जो कि पावर की को यहाँ पे आपको जो कि डबल प्रेस यहाँ पे करना होगा, जो कि ट्विंस प्रेस। उसके बाद यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा जो कि क्विक ओपन कैमरा। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन, अगर आप जेक्सेस यूज़ करना है तो जेक्सेस यूज़ कर सकते हो, नेविगेशन कीज यूज़ करना है तो नेविगेशन की यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वन हैंडेड रिमोट, प्रेजेंट होल्ड पावर की से यहाँ पे आपको जो असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद स्वाइप टू टेक अ स्क्रीन शॉट, थ्री फिंगर स्वाइप करने से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। म्यूजिक प्लेबैक मिल जाता है जो कि यहाँ पे प्लेबैक कंट्रोल। उसके बाद प्रिवेंट रिंगिंग, उसके बाद यहाँ पे एडवांस रीस्टार्ट का आप ऑप्शन अनेबल कर सकते हो। टैप टू स्लिप, जो कि डबल टैप करोगे यहाँ पे स्टेटस बार पे तो यहाँ पे डिवाइस आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद सिस्टम ट्यूनर का भी सपोर्ट मिल जाता है। कंप्लीट बता चुका हूँ, अबाउट फोन में देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोटॉन प्लस, यहाँ पे वर्जन 12.2 आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट बता चुका हूँ जो कि इस रॉम में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है और यहाँ पे क्या क्या आपको बग मिलता है। बग तो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। अगर आप यहाँ पे गेम प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे गेमिंग के मामले में रॉम कैसा है आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि देख सकते हो स्मूथ के साथ अल्ट्रा एचडी के साथ हाई का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जायरो भी वर्किंग मिल जाता है जो कि देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे गेम प्ले कर लेते हैं। असिस्ट और यहाँ पर 4 किल्स।
killing spree for the red team. तो यहाँ पे देख सकते हो गेम प्ले जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, विदाउट एनी लैग के आप गेम प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे जो बैटरी है आप यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो के स्टार्ट में यहाँ पे 100% था, अभी यहाँ पे 95% है। और यहाँ पे वीडियो जो है ऑलमोस्ट 17 मिनट्स का यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे 17 मिनट्स में यहाँ पे मैं गेम प्ले भी किया हूँ, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 6 मिनट्स तक का आपको यहाँ पे जो है TDM खेलने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप है आपको, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो कि बैटरी में यहाँ पे ड्रेनिंग इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे रोम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे Redmi Note 7 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।